हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज एक्सेल में एक चीज आपको सिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ, देखिए प्राइस को मल्टीप्लाई करूंगा यूनिट से, तो ये प्राइस को सिलेक्शन में लिया मल्टीप्लाई बाय यूनिट, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ना यूनिट से, तो ये देखिए यूनिट को मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप चाहते हैं इसको ड्रैग करना, तो ये ड्रैग करेंगे तभी ना नीचे आएगा, तो यहाँ पर आप ड्रैग करते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अगर आप ड्रैगिंग को अवॉइड करना चाहते हो, ड्रैगिंग को अवॉइड करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हैं इसके लिए, आप ड्रैग नहीं करना चाहते। जैसे ही आपका आंसर आया, अब यहां पर आप ड्रैग नहीं करना चाहते, ड्रैग तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ड्रैग ना करना चाहे तो आप एक काम कर सकते हैं, कीबोर्ड से सिलेक्शन में ले लीजिए इस डेटा को, चाहे माउस से सिलेक्शन में ले लीजिए, और इतना पार्ट सेलेक्ट करके आप एक शॉर्टकट की प्रेस कीजिए, आप प्रेस कीजिए Ctrl+D। तो जैसे ही प्रेस करेंगे तो ड्रैग एंड ड्रॉप करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ये आपका काम इसी के जरिए बहुत ही आसान हो जाएगा। आई होप की बात समझ में आ गई होगी।